हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ कीर्ति। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ, क्लास 9th। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चुनावी राजनीति। देखिए, चुनावी राजनीति आपका जो है क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे जो राजनीति होती है, या आप कह सकते हो पॉलिटिक्स है, उसमें चुनाव बहुत ही अहम प्रक्रिया है। तो उसमें देख लेते हैं हम चुनाव क्यों ज़रूरी होते हैं या चुनाव क्यों करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हम चाइना का एग्जांपल लेके देखते हैं, वो लोग चुनाव क्यों करवाते हैं जब एक ही पार्टी की सरकार बन रही है। ठीक, उम्मीदवार भी सारे उसी पार्टी के उतरते हैं। ठीक, वो कमीशन उससे लेते हैं, एक ही पार्टी की सरकार बन रही। तो उन चुनाव का मतलब क्या है आखिर? चुनाव हम इसलिए कराते हैं, जैसे हमारे इंडिया में होते हैं, कि अगर कोई भी पर्सन एक पार्टी या एक दल की जो विचारधारा है उससे सहमत नहीं है, तो वो अपने विचार जिससे भी उस पार्टी से मिलते होंगे या जिसे लगता है जिस पार्टी के विचार ठीक हैं, वो उनसे जुड़ सके, उसे वोट करता है, उसे सपोर्ट करता है। अगर वो आती है तो वो अपने विचारों के साथ प्रेजेंट करती है। इसीलिए हमारे यहाँ पे चुनाव ज़रूरी होते हैं। ठीक, फिर देखिए क्या होता है, चुनाव में मतदाता बहुत तरह से चुनाव करते हैं। ठीक, कई बार क्या होता है कि कानून बनाने वाले का चुनाव करते हैं, कई बार क्या, हमेशा ही हमारी जो कानून बनाती है वो सर्वोच्च क्या है, संसद क्या है, संसद कानून बनाती है। और चुनाव के दौरान हम क्या करते हैं कि हमारे ऊपर कौन शासन करेगा। ठीक है, लोग ही तो चुनते हैं, इसी तो हम लोकतंत्र व्यवस्था कहते हैं। तो संसद क्या करती है, कानून बनाती है। इसीलिए जो कानून बनाएंगे वो लोग अगर हमारी विचारधारा के होंगे तो वो कानून ठीक बनाएंगे, इसलिए ही चुनाव होते हैं। ठीक, और क्या होता है कि नेक्स्ट टॉपिक आता है कि चुनावों को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है। आप बताइए, क्या आप जो जिम्बाब्वे के जो मुगाबे राष्ट्रपति थे, मुगाबे, आप उन्हें मान सकते हैं कि वो लोकतांत्रिक थे? मतलब एक ही पार्टी जीतती आ रही, एक ही पार्टी जीतती आ रही, चाहे कैसे भी, आप उसे लोकतांत्रिक मानेंगे? चाइना को क्या, वो बेशक रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखता हो, लेकिन क्या आप उसे लोकतांत्रिक मानेंगे? ठीक, तो लोकतांत्रिक में हमेशा चुनाव हो या जो प्रमुख हो वो सरकार के द्वारा चुनी है ज़रूरी नहीं। ब्रिटेन एक इसका अच्छा उदाहरण है, वहाँ पर राजा रानी क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। ठीक, लेकिन उनका चुनाव नहीं किया जाता, वो वंश से होते हैं। ठीक, तो देखिए चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार एक तो सबसे पहले ये है कि वयस्क मताधिकार, अगर किसी में वयस्क मताधिकार हो, सार्वभौमिक मताधिकार कह सकते हैं, ठीक, तो उसे हम लोकतांत्रिक मानेंगे, क्योंकि लोगों ने चुना है, लोगों ने वोट किए हैं, तब वो लोकतांत्रिक क्यों हुआ, लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि शासन करता है, उसे ही तो हम कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार। ठीक, तो फर्स्ट क्या आ जाता है इसमें कि उसका वयस्क मताधिकार हो। दूसरी चीज़ आपकी क्या आ जाती है उसमें कि फर्स्टली ये है कि जो आम चुनाव होते हैं उम्मीदवारों को नामांकन की स्वतंत्रता, आप खुद सोच के देखिए, खाली एक ही उम्मीदवार उतर गया मैदान में और वो निर्विरोध चुन भी लिया गया, आप उसे लोकतांत्रिक कहेंगे? आप सोचिए, वही है ना कि रेस में आपको अकेले ही दौड़ना है तो अकेले ही जीतोगे आप, ऑब्वियसली। तो आपका जब कंपटीशन ही नहीं होगा किसी से, तो आप कैसे कहोगे कि किससे जीता, आप उसे लोकतांत्रिक कैसे कहोगे? ठीक, तो उम्मीदवारों को नामांकन की स्वतंत्रता होती है, चाहे कितने भी उम्मीदवार किसी भी पार्टी के या निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, उनके बीच में एक हेल्थी कंपटीशन होता है, लोकतांत्रिक हम इस बेस पे भी मानते हैं। और हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट है कि जो चुनाव है वो नियमित अंतराल पर हो। मतलब लोकतांत्रिक तभी तो कहेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं है कि 10 साल के लिए चुने हैं लोग, उसे हटाने के लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि चुनाव की डेट ही नहीं है तो हटेगा ही नहीं, इसलिए 5 साल इंडिया में चुनाव गया कि 5 साल बाद चुनाव नॉर्मली लोकसभा के लिए होंगे, लोकसभा और राज्य विधानसभा के। फिर क्या है, चुनाव जो होता है वो स्वतंत्र एवं
निष्पक्ष रूप से हो। अच्छा, इसके हम कैसे कह सकते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है वो एक स्वतंत्र आयोग है, ठीक। तो स्वतंत्र आयोग है और जो भी कर्मचारी राज्य सरकार के हों या केंद्र सरकार के हों, जब चुनावों में भाग लेते हैं तो वो सरकार के कर्मचारी ना होकर के निर्वाचन आयोग के कर्मचारी होते हैं, उन्हें निर्वाचन आयोग के ऑर्डर को मानना पड़ता है। तो उसे हम स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो है प्रणाली कह सकते हैं, ठीक। फिर है राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताया था, बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे, बहुत प्रतिद्वंद्विता, ठीक, बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे तो क्या होगा, चुनाव अच्छा चलेगा चलेगा, ठीक। लोग अपने आप को बेटर दिखाने के लिए काम भी करेंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो अगली बार गवर्नमेंट जो लोग हैं वो उन्हें सबक सिखा देंगे या बता देंगे कि वो इस लायक नहीं है, ठीक। फिर आता है आपका कि चुनाव की प्रणाली क्या है हमारे यहाँ पर, तो हम इसको पहले साफ कर देते हैं थोड़ा। चुनाव की हमारे यहाँ पे क्या प्रणाली है, देखिए हम, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, लोकसभा और राज्यसभा 5 सालों के लिए एक जो है चुनाव होते हैं, सॉरी, लोकसभा और राज्य विधानसभा, ठीक। राज्यसभा के लिए 6 वर्ष पे होते हैं और नियमित अंतराल पे वो क्या होते हैं, रिटायर होते रहते हैं, ठीक। उसे हम आम चुनाव भी कह सकते हैं जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए होते हैं। इनमें क्या होता है, जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधित्व होते हैं, ठीक, वही क्या पहुंचते हैं, संसद में पहुंचते हैं, राज्य विधानसभाओं में पहुंचते हैं, वही कानून बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संसद सदस्य, सांसद भी आप कह सकते हो, ठीक। और अगर राज्य विधानसभाओं में हो तो आप उसे विधायक कहते हैं। लोग जैसे हमारे यहाँ पे विधानसभा इलेक्शन हो रहे हैं इस टाइम, ठीक। फिर है कुछ चीज है कि हमने आरक्षित भी कुछ सीट कर रखी है, एससी के लिए 84, ठीक, और एसटी के लिए 47 सीट हमारे यहाँ पे आरक्षित है, 545 टोटल सीटें रखी, कितनी, 545 टोटल सीटें, एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीट लगभग हमने आरक्षित कर ली है। अब क्या होता है, देखिए ये एक आप कह सकते हो कि स्थानीय स्तर पर जो चुनाव होते हैं उनमें एक तिहाई महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाता है, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर यही आरक्षण विधायक, विधायिका और सांसद में भी मिलता तो महिलाओं के लिए और अच्छी बात होती। उम्मीदवारों का नामांकन होता है जब आप वो 25 वर्ष के हो जाते हैं, 25 वर्ष से कोई कम आयु को ना तो लोकसभा और ना ही राज्य विधानसभाओं के लिए पर्चा भर सकता है, ठीक, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हो टिकट। राजनीतिक दल क्या करते हैं, उसको अपना उम्मीदवार बनाते हैं, मनोनीत करते हैं और उसे अपना चिन्ह देते हैं। जैसे आजकल आपने देखो, भाजपा का कमल है, कांग्रेस का हाथ का पंजा है और सपा का साइकिल है, बीएसपी का हाथी है, ठीक। जिस भी उम्मीदवार को अपना टिकट देते हैं तो क्या है कि उसके चुनाव, अपना चुनाव चिन्ह देते हैं, वो जीत कर उस उम्मीदवार, वो जाता है उस पार्टी के दम पर, ठीक। फिर आता है कि एक चीज और हो गई कि जितने दागी विधायक आ रहे हैं, जैसे इस बार भी हमारी जो लोक विधानसभा चल रही है बहुत सारे दागी विधायक हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी जो विधायक होगा या जो भी उम्मीदवार पर्चा भरने जाएगा उस अपने बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जैसे उसके पास टोटल कितनी संपत्ति है, उसके ऊपर उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, ताकि लोग देखें कि कितना पढ़ा लिखा उम्मीदवार हम चुन रहे हैं, साथ में उसके ऊपर कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, कानूनन अपराध जो आरोपी बना हुआ है वो कितने केस है, उसकी भी उसने लिस्ट देनी पड़ती है। तो ये एक अच्छा कदम है सुप्रीम कोर्ट का, ताकि लोग जाने कि जिस उम्मीदवार को चुन रहे हैं वो सही है या नहीं। आप पढ़ते हैं नेक्स्ट, चुनावों का जो प्रचार होता है, देखिए वो क्या होता है, पर्चा भरने के बाद और इलेक्शन की डेट से 2 सप्ताह लगभग जो है चुनाव प्रचार आप कर सकते हैं, ठीक, मतदान की तारीख से 1 दिन पहले तक या के बीच में जो टाइम मिलता है आपको 2 सप्ताह का, आप उसमें क्या करते हैं, आप उसमें प्रचार कर सकते हैं, उसके बाद आप कोई भी प्रचार नहीं कर सकते। और चुनाव निर्वाचन आयोग ने एक पैसे की सीमा, आप कह सकते हैं, मानी कि लोकसभा के लिए कोई भी उम्मीदवार या पार्टी 25 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करेगी और विधानसभा के लिए 10 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, ये बाउंडेशन है, इसके ऊपर अगर आप खर्चा करते हैं तो आप आचार संहिता के दायरे में आ जाएंगे। आदर्श आचार संहिता भी चुनाव आयोग लगाता है, वो क्या होती है, देखिए
आप प्रचार करेंगे तो धर्म जाति के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे। बात अलग है कि हमारे यहाँ पे धर्म धार्मिक ही राजनीति होती है आजकल, जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है। धर्म जाति के आधार पर आप वोट नहीं मांगेंगे। धर्म स्थल पर आप प्रचार नहीं कर सकते, किसी मंदिर मस्जिद में जाके आप चुनाव प्रचार वहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक। साथ में क्या है कि सरकारी वाहन, सरकारी हेलीकॉप्टर और सरकारी अधिकारियों का उपयोग आप चुनाव प्रचार में नहीं कर सकते, ठीक। ऐसी बहुत सारी जो कंडीशंस होती हैं, बाउंडेशंस लागू होती है, पैसे की देखिए, रुपए की ये कंडीशंस ये लागू है। फिर क्या है, अवैध चीज़ों का आप प्रलोभन देकर या ऐसी प्रलोभन देकर या किसी को पैसे वगैरह देकर आप वोट नहीं खरीद सकते, ये अवैध है। अब देखते हैं थोड़ा मतदान एवं जनगणना, मतगणना। हमारे यहाँ मतदान कैसा होता है देखिए, ये तो आपको पता ही है। मतदान देखिए क्या होता है कि एक वोटिंग राइट एक बहुत बड़ा अधिकार है, क्योंकि हम इससे अपने जो हमारे ऊपर शासन करेगा हम उसको चुन सकते हैं, ठीक। हमारे इंडिया में ये बहुत अच्छी है कि भारत में क्या होता है, मतदान जब होते हैं तो बहुत ही निष्पक्ष तरीके से होते हैं, निर्वाचन आयोग कराता है उनको, ठीक। उसमें क्या होता है कि आप जाते हैं, जो भी आपको चिन्ह पसंद होता है, जो भी पार्टी पसंद होती है, आप उसका बटन दबाते हैं और अपना जो है वोट आपका लॉक हो जाता है। उसके बाद ईवीएम को जमा कर देते हैं एक जगह, और एक टाइम आता है, एक डेट हो जाती है, उस डेट पे सारे ईवीएम से वोट काउंट किए जाते हैं, फाइनली पता चलता है कौन सा उम्मीदवार जीता है। देखिए भारत में चुनाव लोकतांत्रिक इसलिए माने जाते हैं कि एक तो स्वतंत्र चुनाव आयोग है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है कि चुनाव में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है एक तरह से। और सबसे अच्छी बात जो है भारत के अंदर वो ये है कि चुनाव में जो पार्टी हार भी जाती है ना, अगर वो उसको जनादेश मानती है कि मतलब हमें जनता का जो आदेश है वो स्वीकार है, वो और मेहनत करते हैं। और अगर जो सत्ताधारी पार्टी है अगर वो वर्क नहीं करेगी तो क्या होगा, चुनाव में अगली बार उन्हें जो है हार का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए सरकारें चाहे ना चाहे तब भी उन्हें विकास करना पड़ेगा, ठीक। ये हमारी चुनाव की डिमांड भी है और भारतीय वोटर अब जागरूक हो चुका है, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।